बात छात्रों, सभी अच्छे हैं आज? सही है। नमस्ते। किए आवाज ही नहीं निकल रही आप लोगों की। देखिएगा, आज हम लोग एक नया पाठ यहाँ पे सीख रहे हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगा, है ना? उसका आप उत्तर देंगे देंगे या नहीं? तो मैं पहले सबसे पहले आप लोगों को पूछूंगा, कुछ फलों के नाम पूछता हूँ यहाँ पे। क्या पूछ रहा हूँ मैं? फलों के नाम तो आप लोगों को बताना है, और कुछ सब्जी के, यानी कि सब्जी के, कुछ सब्जी के नाम आप बताएंगे, बता रहे हैं ना? आप पहले कोई एक छात्राओं की ओर से उठकर एक फल का नाम बताइए। कोई एक फल उठकर बोला है, कोई एक उठेंगे और बताएंगे। क्या है जी? सेब है। क्या है? सेब। एक फल बताया इन्होंने। बैठिए आप। हाँ, अब छात्रों की ओर से कोई एक आम है। क्या है? आम है। बिल्कुल सही। हाँ बैठिए आप। फिर छात्राओं की ओर से और एक फल का नाम सीताफल। क्या है वो? सीताफल। सीताफल। हाँ, तो हमने तीन फलों के नाम यहाँ पे देखा। अब छात्र बताएंगे तो एक सब्जी का नाम। गाजर। क्या है? गाजर। आप लोगों को क्यों ये आसान हो रहा है मालूम है? हमने कश्मीरी से पाठ पढ़ा था ना, इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब छात्राओं की ओर से करिए और एक सब्जी का नाम। क्या है जी? बढ़िया आवाज में बोलो। टोमेटो। ताजे हो जाए इन सबके लिए। हाँ, खाया है टोमेटो। टोमेटो और हम बोलते हैं इसको टमाटर। क्या कहते हैं? टमाटर कहते हैं। तो देखिएगा, आप इसे बनाया हुआ एक चित्र है यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पे फलों के नाम देखिएगा, है ना? हाँ, अब देखिएगा, आम है, सेब है यहाँ पे, अब यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिखा गया, चेरी लिखा गया है, अंगूर लिखा है ना? कितना बढ़िया। किसने लिखा है इसको? स्नेहा जी ने। स्नेहा जी की तालियां। अब सब्जी के नाम लिखा है यहाँ पे, आपने ये नाम ही नहीं लिखा, ये शिमला मिर्च है, हाँ? इसको शिमला मिर्च नाम देना है। अब ये है टमाटर। ये क्या है? ये क्या है? भिंडी है। क्या है ये? भिंडी। ये क्या है? बैंगन। क्या है? देखिए कितना बढ़िया इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, फल और सब्जी के चित्र बहुत बढ़िया लिखा है स्नेहा जी। आपको हम सब की ओर से तालियां। हाँ, तो आप लोगों ने अपने सब्जी के बारे में बताया, और क्या बताया? फलों के बारे में बताया। अब मैं आपको और एक प्रश्न पूछूंगा, जैसे कि हमने देखा है पेड़, हमारे घरों के पास पेड़ भी होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है या नहीं? है। अब पेड़ों के ऊपर कौन बैठते हैं? आप जाकर बैठते हैं, कौन बैठते हैं? पशु बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं, है ना? कौन कौन बैठते हैं? पशु भी बैठते हैं, पक्षी भी बैठते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा, पशुओं के नाम है यहाँ पे और कुछ पक्षी। अब मैं एक तो आपको उदाहरण देता हूँ, ये देखिएगा, हमारी छात्रा ने बनाया था ये देखिएगा, ये क्या है? ये क्या है? ये कहाँ बैठा है? वो पेड़ की एक डाली पर। यहाँ पे एक क्या बैठा है? मोर बैठा है। क्या है ये? ये मोर पशु है या पक्षी है? पक्षी। हाँ, कौन सा है ये? पक्षी। देखिएगा ये दोनों चित्र कितने बढ़िया बनाए हैं बच्चों ने, है ना?
अच्छा है। तो हमने ये देखा यहाँ पे क्या है, मोर है। अब ऐसे ही और एक पक्षी का नाम बताइए, कोई एक उठकर पीछे से आप बताइए एक पक्षी का नाम। अच्छा, पक्षी का नाम मालूम नहीं है, इधर से पक्षी का नाम बताइए। अरे तोता है, क्या है? अरे तोता, तोता भी एक पक्षी है ना। हाँ, अब पेड़ के ऊपर आप हर दिन क्या देखते हैं, इधर क्या देखते हैं, पशु है या पक्षी? पशु है, पशु है ना। हम इसमें अजय साहब आपने बताया कौन सा पक्षी बता रहे थे, कबूतर है। इधर लिखेंगे हम कबूतर, मैं देखो कबूतर बताया। और एक पशु कौन सा है जो पेड़ के ऊपर हमेशा रहता है, क्या है वो? क्या है? गिलहरी। आपने बताया ना, उठिए आप, क्या बताया आपने? गिलहरी है ना। देखिए आपका नाम क्या है? अल्पिया जी। हाँ, आप बता रहे थे गिलहरी। अब इधर देखिएगा, फलों के नाम देखा आपने यहाँ पे है ना। अब इधर क्या है, सब्जी के नाम देख रहे हैं। फल में क्या है, सेब है, आम है, सीताफल है। अब यहाँ गाजर है, ये क्या है, टमाटर है। अब पशुओं में बकरी, गिलहरी, पक्षियों में मोर, तोता, कबूतर। हाँ, मोर, तोता, कबूतर, इतने सारे देख रहे हैं है ना। तो आज हम ये जो पशु है इससे संबंधित आपको एक दसवीं कक्षा में पाठ दिया गया है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये पशु का नाम क्या है? गिलहरी। तो ऐसा ही आप लोगों के लिए एक पाठ दिया गया, वो कौन सा है? गिल्लू। कौन सा पाठ है वो? गिल्लू। हाँ बिल्कुल सही, गिल्लू नामक पाठ जो है उसको हम आज यहाँ पे देख रहे हैं। गिल्लू पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी इस पाठ की लेखिका है। कौन है इस पाठ की लेखिका? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी इस पाठ की लेखिका है। और साहित्यिक विधा में ये एक पाठ जो है ये है रेखा चित्र। क्या है ये? रेखा चित्र। रेखा चित्र है ये, है ना, समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज हम? गिल्लू नामक जो पाठ दसवीं कक्षा में जो दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में, हम उसको देखेंगे। लेकिन पाठ को पढ़ने से पहले हमें इस पाठ की लेखिका जो है कौन? महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे दाखिल करेंगे। इसके बारे में महादेवी वर्मा जी के बारे में हम देखेंगे, है ना। तो वो लेखक है या लेखकी? लेखकी है। क्यों आप लेखिका कह रहे हैं? हाँ, कन्नड़ में क्या बोलते हैं हम लोग? लेखिकी बोलते हैं। लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लेखिका। बिल्कुल सही। आप हम देखते हैं लेखिका का परिचय, इसका परिचय लेखिका का परिचय। लेखिका का परिचय हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेखिका का नाम क्या है? महादेवी वर्मा। ये तो हम जानते हैं, है ना। क्या है उनका नाम? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा।
वर्मा, महादेवी वर्मा लेखिका का नाम है ना। अब देखिएगा यहाँ पे बताया गया है महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। कौन से स्तर की? विश्व स्तर की कवयित्री का नाम क्या बताया गया है यहाँ पे? आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनको क्या कहकर पुकारते हैं? आधुनिक मीरा। मीरा आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्यों इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। हाँ, तो देखिएगा इन्हें आधुनिक मीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन भर इन्होंने श्वेत वस्त्र पहना है। श्वेत का अर्थ क्या हो गया? क्या है श्वेत का अर्थ? सफेद है। श्वेत वस्त्र पहना है और कभी भी ये नर्म बिस्तर के ऊपर नहीं सोई। कहाँ नहीं सोई है? नर्म बिस्तर पर नहीं सोई है। ये हमेशा लकड़ी का जो तख्ता होता है ना, तख्ते के ऊपर सोया करती थी, है ना। और इनका बहुत ही सरल जीवन था। साथ ही साथ जीवन भर इन्होंने कभी भी अपना चेहरा आईने में नहीं देखा। आईना का अर्थ क्या है? आईना का अर्थ क्या है? मीरा इनके कन्नड़ी, कन्नड़ लोग होते हैं ना। हाँ, तो बैठिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो मीरा में अपना चेहरा कभी भी वो नहीं देखी थी। तो आप लोगों ने मीरा बाई को देखा है? ये देखिएगा, ये कौन है? ये मीरा बाई है ना। इसीलिए जैसे मीरा बाई थी सरल, उसी तरह इन ये भी थी। कौन थी वो? महादेवी। इसीलिए क्या बोलते हैं कहा जाता है। अब देखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ, ये देखेंगे हम। अब मैं पूछता हूँ किसी एक को, ये पढ़वाता हूँ, ये वाक्य मुझे पढ़कर सुनाना है। हाँ, आप पढ़ेगी उसका वाक्य पढ़िएगा यहाँ से, ये पढ़िएगा इनका जन्म। हाँ, 24 मार्च 1907 कहाँ हुआ? बिल्कुल सही, कहाँ पे? फरुखाबाद में। देखिए, हाँ, तो इनका जन्म कब हुआ? 24 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ। आप मैं पूछता हूँ यहाँ पे प्रज्वल साहब, इनका जन्म कहाँ हुआ? क्या है? 1924 ये सही है ना? 1907 सही है, ये 24 मार्च है। 24 मार्च 1907 को इनका जन्म, प्रज्वल साहब कहाँ हुआ इनका जन्म? फरुखाबाद। कहाँ हुआ? तालियां बजाइए इनके लिए। फरुखाबाद में इन्होंने जन्म लिया है। अब मैं पूछता हूँ रुमिजा जी, अग्नि जो पंक्ति है उसको आप पढ़िए, बड़ी आवाज में पढ़ना है, बड़ी आवाज से। हाँ, उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। हाँ, रखिएगा, आप बताइए उनके पिताजी का नाम क्या बोला आपने? गोविंद प्रसाद वर्मा। महादेवी वर्मा जी के कौन थे? कौन थे वो? पिताजी थे। क्या बताए आपने नाम उनका? गोविंद प्रसाद। पिता कौन है? बिल्कुल सही, बैठिए रुमिजा जी। गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद वर्मा बताया। अच्छा, तो अब माता के बारे में मैं दूसरों को पूछता हूँ।
पिता का नाम पता चल गया हमें, है ना। फिर दोस्त साहिब आप बताइए। हाँ आप बताइए कौन है उनके माता जी का नाम क्या है। इतना ही है, बड़ी आवाज में बोलिए। हेमा रानी उनकी माता थी। क्या थी इनकी माता का नाम क्या है। हेमा रानी, हेमा रानी इनकी माता थी। समझ गए ना। बैठिए। अब आगे का वाक्य मैं यहाँ पे बोलता हूँ। फिर आप पढ़ो इसको देखें। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय से संस्कृत में व्यंग्य की उपाधि उन्होंने प्राप्त की है ना। हाँ, तो इनका इनकी जो शिक्षा है ना, इनकी शिक्षा में हम देखते हैं के प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए में कौन सा लिया था, इन्होंने संस्कृत भाषा विषय लेकर उन्होंने उसमें एमए किया है। और देखिएगा महिला विद्यापीठ में ये प्रधान अध्यापिका भी रही है। क्या रही, वो प्रधान अध्यापिका भी रही है। बैठिए। तो अब इनकी शिक्षा के बारे में क्या लिखेंगे हम। शिक्षा कहाँ की है, एमए किया है इन्होंने, है ना। किसमें एमए किया उन्होंने, संस्कृत में। संस्कृत में इन्होंने एमए किया है ना। और ये महिला विद्यापीठ की प्रधान अध्यापिका भी रही है। अब देखिएगा महादेवी वर्मा जी जो हैं गद्य और पद्य दोनों की रचना की। कौन कौन सी रचना की है उन्होंने, गद्य की भी रचना की है और पद्य की भी रचना की है। और इनके प्रमुख रचनाओं में हम यहाँ पे देखते हैं। अब इनके नाम पढ़ने की रश्मि जी, अब इनकी रचनाओं के नाम पढ़िए। नहीं नहीं सुनाई दे रहा है हमें, बड़ी आवाज से पढ़ना है। यामा सांगली दीपिका निहार निहार अतीत के चलचित्र समृद्धि के रेखाए पट के साथ मेरे परिवार श्रृंखला की श्रृंखला श्रृंखला की कड़िया आदि। देखिए देखिए रश्मि जी, देखिए आप यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाओं में यामा है, सांगे गीत है, दीपशिखा है, नीरजा निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और इनमें कौन सा उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। कीर्तना जी, कीर्तना जी बोल रही है इन्हें कौन सा उच्च पुरस्कार मिला है। देखिए, हाँ बढ़िया आवाज में बोलिए, सबको सुनाई दे। हाँ, कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। बैठिए कितना जी, कौन सा पुरस्कार है वो, ज्ञानपीठ। बातें कौन कर रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है ना। अब मैं छात्रों को पूछता हूँ कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इन्हें मिला, आप बताएंगे कौन सी रचना के लिए। यामा, बताइए यामा। यामा, यामा जो इनकी प्रमुख रचना है, इस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें, पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। अब रचना कौन सी बताई मैंने, यामा नामक एक रचना के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। और ऐसी एक महान महिला यानी कि जो कवयित्री थी, कौन, महादेवी वर्मा जी, जिनका देहांत हुआ। अब इसको मैं दूसरों से पढ़वाता हूँ। निवेदिता जी, आपको अंत में जो लाइन दी गई है ना, उसको पढ़िएगा।
इस महान रचना का की निदान निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। हाँ, देखिएगा इनका निधन हुआ सितंबर 1987 में। इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु कब हुई? सितंबर 1987। को इनका निधन हो गया। बैठिए निवेदिता जी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। हाँ, तो देखिएगा हमने यहाँ पे लेखिका का परिचय अच्छे ढंग से यहाँ पे हमने इसको देख लिया है। अब मैंने यहाँ पे जो यहाँ लिखा है इसको कौन आकर पढ़ रहे हैं? पढ़ना है यहाँ आकर, कौन पढ़ेंगे? किसी को नहीं आता, यहाँ आकर इसको पढ़ना है। छात्रों की ओर से अपने के प्रशंसा आइए। लेखिका का परिचय। हाँ। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा। हाँ। जन्म हाँ, ये समझ में नहीं आ रहे हैं ना, मैं लिखा 24 है और ये 1907 है। हाँ, अब पढ़ो। 24 मार्च 1907 में स्थान फरुखाबाद में। हाँ। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। हाँ। माता हेमा रानी। हाँ। शिक्षा MA किसमें? संस्कृत में हुआ। पुरस्कार ज्ञानपीठ कौन सी कृति के लिए? यामा कृति के लिए। हाँ, मृत्यु सितंबर 1987। हाँ, इनके लिए तालियां हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि जब हम यहाँ पे आप लोगों को मंच दे रहे हैं, मंच का अवसर हम आपको प्रदान कर रहे हैं, तो डरना नहीं है, यहाँ आकर आप लोगों को पढ़ना है। इतनी दिक्कत तो नहीं होगी ना? दिक्कत हो रही है आप लोगों को? नहीं। तो जब भी हम बुलाते हैं आप लोग क्या करना है, तुरंत वहां पे आना है और उसको पढ़ते जाना है। अब देखिएगा हमें यहाँ पे लेखिका का परिचय देख दिया। लेखिका का परिचय आप जान गए ना, समझ गए, समझ में आ गया। हाँ, अब हम देखते हैं पाठ को, देखिएगा मैं पढ़ते जाऊंगा, आप पाठ को देखेंगे, सही है? गिल्लू पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। देखिए किताब में वर्मा की जगह ममान लिख दिया है, तो वहां पे अर की मात्रा छूट गई है, उसको लिख लीजिएगा वर्मा, उसको ठीक कर लीजिए। पाठ देखिएगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ चुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकुल शुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टा से
सा गमला से गमले से चिपका पड़ा था। पाठ को देखा आप लोगों ने, है ना? हाँ, अब इस पाठ को कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे पाठ को? पाठ नहीं सुना? हाँ, रिहान साहब आप पढ़िए, देखें गिल्लू पाठ को पढ़िएगा। एक दिन सवेरे कमरे के बाहर कमरे के दूसरे नहीं बोलना है, बड़ी आवाज में पढ़ो जी। कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चूहा चूहों वाली खेल रहे हैं। जैसा खेल खेल रहे हैं। यहाँ काम भुसुंडी काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित अनादरित आदि सम्मानित अति अवमानित। बैठिए, तालियां हो जाए इनके लिए। अब लड़कियों की ओर से कौन पढ़ रहे हैं? अब पढ़ेंगी। हाँ, किताब को हाथ में रखिएगा, पढ़िए बड़ी आवाज में। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काऊ करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। बढ़िया, तालियां हो जाए इनके लिए। देखिए कितना अच्छा पढ़ाई थी, है ना? हाँ, अब इधर कौन पढ़ेगी? आप पढ़ेंगी। अच्छा, पढ़िए। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। बहुत खूब, इनके लिए भी तालियां हो जाए। हाँ, देखिएगा, बैठिए। कितना अच्छा इन लोगों ने यहाँ पे पाठ पढ़कर हमें सुनाया, है ना? अब मैं इस पाठ में आए कुछ शब्द जो है, नए शब्द जो है, उनका अर्थ में यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ये देखिएगा, हम उसको देखते हैं शब्दार्थ के रूप में। कैसे देखेंगे? शब्दार्थ के रूप में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला शब्द जो है अचानक, क्या है वो? अचानक शब्द का अर्थ क्या है? क्या है वो? ऐसा लग रहा है कि आपने सुबह नाश्ता नहीं किया है। है ना? हाँ, अचानक का अर्थ क्या हो गया? अब फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा शब्द है यहाँ पे गमला। क्या है वो? गमला शब्द यहाँ पे दिया गया है। गमला शब्द का अर्थ है यहाँ पे, आप बताइए क्या है उसमें अर्थ क्या दिया गया है? दूसरा गमले का अर्थ, हाँ, गमले का अर्थ क्या दिया गया है? देखो वहां पे शब्दार्थ में दिया गया है, हाथ किताब हाथ में पकड़ो ठीक से। हाँ, बड़ी बड़ी आवाज में बोलिए। फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन है ना? देखिएगा, फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन, फूलों के पेड़ है ना, फूलों के। देखिए जी, फूलों के पेड़, और ये क्या बताया गया? और ये क्या है? पौधे लगाने का क्या है वो? बिल्कुल सही, लगाने का बर्तन।
क्या कहते हैं उसको हम? क्या बोलते हैं उसको? बदला देते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना। हाँ, अब तीसरा जो शब्द है यहाँ पे वो है घाव। घाव शब्द का अर्थ क्या है? जख्म। घाव का अर्थ क्या है? जख्म। घाव शब्द का अर्थ हो गया जख्म। और चौथा चौथा शब्द देखते हैं हम यहाँ पे हौले से। हौले से शब्द का अर्थ क्या है? धीरे से। धीरे से। हौले से का अर्थ क्या है? धीरे से। धीरे से। हौले। हौले का अर्थ हो गया धीरे। हौले शब्द का अर्थ क्या हो गया? धीरे। हाँ, अब फिर यहाँ पे और एक शब्द में बताता हूँ। कांच शब्द आया है। क्या है वो? कौन सा शब्द पढ़ा मैंने? कांच। इसका अर्थ क्या बताया है यहाँ पे? कांच का शब्द क्या बताया मैंने? कांच। कांच शब्द का अर्थ क्या है? शीशा। शीशा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नहीं, ग्लास। क्या बोलते हैं उसको? ग्लास कहते हैं, है ना? हाँ। और एक जो अंत में हम देखते हैं चुन्नट। क्या है वो? चुन्नट। चुन्नट क्या है? चुन्नट। चुन्नट शब्द दिया गया। इसका अर्थ यहाँ पे है सिल्वर। क्या है वो? सिल्वर। सिल्वर। तो देखिएगा इतने सारे शब्दों के अर्थ हमने यहाँ पे देखा है ना। शब्दार्थ को आप समझ गए। पहला कौन सा है? गमला। तीसरा यानी चौथा अर्थ कांच और अर्थ। तो ऐसे हमने यहाँ पे शब्दों के अर्थ यहाँ पे जान लिए हैं, है ना? हाँ, अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दूंगा। आप लोगों को एक कार्य करना है घर जाकर आज के लिए। तो वो है गृह कार्य के रूप में मैं आप लोगों को एक कार्य दूंगा। और वो है देखिएगा कुछ पशु और पक्षियों के, यानी के पालतू और जंगली। पालतू और जंगली। पालतू लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इसको पालतू और बातें नहीं करना है। पालतू और जंगली। जंगली का अर्थ क्या है? वही जानवर जो बोलते हैं ना। हाँ, जंगली जानवरों के, जानवरों के नामों की, नामों की तालिका, नामों की तालिका चित्र सहित। क्या है वो? चित्र सहित बनाइए। क्या करना है? बनाना है। बनाएंगे ना? क्या बनाना है? चित्र सहित बनाना चाहिए। बनाकर लाएंगे ना? क्या बनाना है? पालतू और जंगली जानवरों के नामों की तालिका, है ना? नामों के साथ ही इसकी तालिका हमें क्या करना है? चित्र सहित बनाकर लाना है। बनाकर लाएंगे? जी सर। हाँ, तो हम देखते हैं कि अगली अवधि में हम लोग महादेवी वर्मा जी से संबंधित जो पाठ है उस पाठ के अधिक जानकारी हम अगली अवधि में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।